ये यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में जो अली बाबा कंपनी को इधर जो लाने में तो कलीदी किरदार डिप्टी कमिश्नर चकवाल डॉक्टर मोहम्मद निशान हनीफ का बताया गया है। तो बहरहाल इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद बलाल ने डिप्टी कमिश्नर को शानदार स्वाद में राजे तहसीन पेश किया। तो डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर निशान हनीफ ने भी बड़ी पुरमगत गुफ्तगू किया, तो ये जरा मुलाहिदा करें। वर्दी वाइस चांसलर डॉक्टर बिलाल, द होल फैकल्टी मेम्बर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, ऑल द स्टूडेंट्स मेल फीमेल एंड अदर पीपल, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ग्रेट टाइम टू स्पीच विद यू। आई वुड बी वेरी मच प्रिसाइज और कोशिश करूँगा मैं जो बात मैं आपसे कन्वे करना चाहूँ आप लोग उसको थोड़ा सुने गौर से और अमल करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो जो फैकल्टी मेंबर्स हैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद, दे हैव जॉइंड अस। द ब्यूटीफुल थिंग इज इस फैकल्टी मेंबर्स में जिसको हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, कुछ लोग हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, कुछ इंग्लैंड से लोग पढ़े हुए हैं, कुछ चाइना से, हांगकांग से, लॉट ऑफ पीएचडी पीपल है और बड़े यंग लोग हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास इतनी मल्टीडिसिप्लिनरी जो फैकल्टी आई है। अब इसका एडवांटेज इस फैकल्टी का ये होगा कि ये फैकल्टी मेंबर्स एक सबसे पहली बात है यंग है और एक नया डायरेक्शन लेंगे इस यूनिवर्सिटी के लिए। मेरी रिक्वेस्ट तमाम एचओडी से ये होगी कि यू शुड ओन दैट इंस्टीट्यूशन। इट इज़ नॉट अबाउट टीचिंग, इट इज़ अबाउट ओनिंग द इंस्टीट्यूशन। और जितने डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मेकाट्रॉनिक्स है, उर्दू है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, व्हाटसो एवर, हर डिपार्टमेंट का एक अपना रोल है और एक अपनी स्पेस है। जूलॉजी का विजिट अभी हुआ, टेक्नोलॉजी की बात हुई, दुनिया में इसके बहुत बड़े बड़े इदारे हैं। बॉटनी की बात करें, अमेजिंग पीपल इन द वर्ल्ड, अमेजिंग रिसर्चेज चल रही हैं। फिजिक्स की बात कर रहे हैं, अमेजिंग रिसर्चेज चल रही हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स का अपना अपना एक स्कोप है और एक अपना अपना डायमेंशन है। एच ओ डी को मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा सबको कि हर एच ओ डी एक या दो इनिशिएटिव्स ले अपने डिपार्टमेंट में, जो उसका अपना इनिशिएटिव हो, दैट शुड बी द क्लोज ऑफ हिज हार्ट। उस इनिशिएटिव्स में क्या हो कि आप अपने इदारों को इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट करें। हार्वर्ड से लोग पढ़े हैं वो हार्वर्ड से बात करें, जो जॉन हॉपकिंस से हैं लोग, MIT से लोग हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट मिनिस्टर HED इज़ ही हैज़ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की है कि आप HOD से अलग से भी मीटिंग करें, उनको 3-4 घंटे दें, उनकी बात सुनें और जहाँ जहाँ आप उन्हें कनेक्ट करवा सकते हैं कनेक्ट करवाएं। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने कोट की थी कि हमने, मैं 3 माह पहले यहाँ पर आया डिस्ट्रिक्ट में, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था, मैं एम ए डॉक्टर बाई प्रोफेशन, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था ई कॉमर्स में कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से कहाँ जा रही है। मैंने थोड़ी सी एफर्ट की, 2-2.5 महीनों में हमने एक जाइंट को पाकिस्तान में लाया, अलीबाबा ग्रुप। दे हैव इन्वेस्टेड हियर, दे आर ट्रेनिंग द पीपल नाउ। अब वो जो मास्टर ट्रेनर्स आपके होंगे, दे विल टीच ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों। फ्यूचर में यही लोग, दे पीपल विल बी द अलीबाबा सर्टिफाइड ट्रेनर्स। ये लोग घर से बैठ के भी काम कर सकेंगे, साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकेंगे और घर के लिए कुछ अर्निंग भी कर सकेंगे। यहाँ एक बात काउंट करना बड़ा ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को ना, एक बात मैंने लास्ट टाइम भी की थी आप लोगों के साथ कि आप सब लोग पढ़ें ज़रूर। जब आपने FSC कर ली है, A-levels कर लिया है, उसके बाद आप लोगों को पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए फॉर योर फीस, फॉर योर लिविंग। जो बच्चे घर बैठ के काम कर सकते हैं वो घर बैठ के काम करें, जो बच्चे बिजनेस कर सकते हैं साथ छोटा मोटा अपना छोटा सा काम शुरू करें, चाहे 50,000 से करें, चाहे 10,000 से करें, चाहे 1,00,000 से करें। इससे ना आपकी तालीम इफेक्ट होती है बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और माँ बाप को पता चलता है कि मेरा बच्चा कुछ कमा रहा है। मैं पिछले दिनों इंट्रोड्यूस कर रहा था कुछ डॉक्टर्स के यहाँ पे हमारे पास, कुछ PhD लोग थे। आई वाज सरप्राइज टू सी कि वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ जॉब की तलाश में रहते हैं। जॉब कभी होती है, कभी नहीं होती है, गवर्नमेंट के हालात डिफरेंट हैं। पूरी दुनिया के लिए मार्केट है, पूरी दुनिया मार्केट है। कुछ चीज़ कहीं से लेकर कहीं भी बेच कर घर में पैसे कमा सकते हैं। और ये दुनिया में इंडिया इस वक्त, आप इंडिया आपका पड़ोसी कंट्री है, लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ द इंडिया। आप इसराइल की बात कर रहे हैं, इसराइल की पॉपुलेशन 9 मिलियन है अप्रॉक्सीमेटली। इसराइल का साइज चकवाल से 4 गुना बड़ा है, चकवाल से 4 गुना बड़ा कंट्री है सिर्फ साइज के हवाले से, आबादी के हिसाब से 5 टाइम्स बड़ा हुआ है।
ही इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। और अब सोचें कि जो सामने लोग बैठे हुए हैं, ये सारे का सारा एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है जिसने कल यहीं से लोग पढ़कर गए हैं जिन्होंने हार्वर्ड में पढ़ा। डॉक्टर आकिब एक मिसाल है, मैंने इनको तो नेट से पढ़ा, बल्कि आई वुड कंग्रेचुलेट यू डॉक्टर साहब कि आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एक मिसाल हैं, कि इन बच्चों को पता होना चाहिए कि कोई बंदे का नाम स्टैनफोर्ड ने लिया है। 100 से ज़्यादा रिसर्चेज हैं आपकी, जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ तो 5 से 6 प्रोफेसर ऐसे थे जिनकी 50+ रिसर्चेज हैं। तो ये चीज़ सोचें कि अगर एक बंदा यहाँ पे रह के आपकी फैकल्टी का मेंबर है, मैकेट्रॉनिक्स के वो हेड हैं, वो अपना नाम कमा सकते हैं दुनिया में, तो वाई नॉट यू पीपल। देखिए ना, वो भी इसी माहौल में रहते हैं, यही फैसिलिटीज हैं, कहीं पंखा है कहीं नहीं है। हम लोग भी ऐसे इदारों से पढ़े हुए हैं जहाँ डार्ट स्कूल हुआ करते थे। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको हर जगह पर सरकार जितनी कोशिश हो सकेगी हम आपके लिए करेंगे। यू नीड गुड ह्यूमन रिसोर्स, यू नीड गुड कनेक्शन एंड यू नीड हार्ड वर्क। मेहनत करेंगे तो आप दुनिया में कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता। मैं बेसिकली आई एम शिपिंग स्कॉलर, मैंने मास्टर्स किया है पब्लिक पॉलिसी में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से। जब मैं वॉरिक गया तो मैं वहाँ देख के हैरान रह गया कि वहाँ जो तालीम है 2-3 से 4 घंटे पढ़ते हैं सर, और हमारे स्टूडेंट्स यहाँ 16-16 घंटे पढ़ते थे। 16-16 घंटे बच्चे, 14 घंटे 12 घंटे तो बच्चे नॉर्मल पढ़ते हैं। वाई देर इज सम प्रॉब्लम जहाँ पे हम उस चीज़ को सही तरीके से कैच नहीं करवा रहे। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द वर्दी जो HODs हैं कि स्टूडेंट्स के साथ आपका ताल्लुक स्टूडेंट टीचर का तो हो, एज अ फ्रेंड भी हो, एज अ मेंटोर भी हो, और आप उन लोगों को उस तरह गाइड करें कि ये इंटरनेशनल लेवल पे फोकस्ड हो, ये कल उठ के यहाँ से कहीं और जाके कुछ छोटे मोटे काम ना करें। दे शुड थिंक अबाउट बिगर ड्रीम्स। वो बड़ा सोचेंगे तो किसी जगह पर स्टार्ट होंगे। अगर सोचना ही छोटा है आप लोगों ने कि मोहल्ले में काम करना है या कोई हमने उसके बाद नौकरी कर लेनी है, उसके से मेरा नहीं खाता इम्पैक्ट आएगा। और अगेन मैं सब लोगों के सामने ये बात कोट करना चाहूँगा कि आप लोगों के पास जो आपके मिनिस्टर HOD हैं, दिस इज़ द रिसोर्स जो आपको इस यूनिवर्सिटी को जिन्होंने लेके चला और इस यूनिवर्सिटी को वो आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन एक बंदा डिप्टी कमिश्नर या VC या आपके मिनिस्टर साहब, अगर ये तीनों एफर्ट भी करें तो इससे कुछ नहीं होगा जब तक आपका डिपार्टमेंट का HOD, डिपार्टमेंट की फैकल्टी खुद पेन ना ले, खुद इनिशिएटिव ना ले। मेरे पास आज टाइम है, मैं शायद आपको 2 महीने बाद दोबारा नजर आऊँ। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके VC साहब यहाँ हैं, वाइस चांसलर साहब, आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी कंप्लायंस, उनकी हार्डवर्क, इन मामलों में वो पर्सनल पेन लेकर करते हैं। मैंने बड़े बड़े वाइस चांसलर्स को मिला हूँ, दे लिव इन दैट ईगो के हम तो VCs हैं, हम ये कुछ नहीं कर सकते। मिनिस्टर्स हैं, वो कभी यूनिवर्सिटी को टाइम नहीं देते, उनके पास अपने काम होते हैं। डिप्टी कमिश्नर्स कुछ नहीं आते, वो कहते हैं और बड़ी प्रायोरिटीज हैं। तो आपको इतनी अच्छी अगर टीम मिल गई है तो अगर आप इनसे बेनिफिट ना ले सकें तो दिस इज़ योर फेलियर। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर दैट थिंग। अच्छा, उसके अलावा कुछ 2-4 बातें हैं। हाँ, NICL में अलीबाबा तो आ गया है, दिस इज अ वेरी स्मॉल स्टेप जो हमने लिया है। अब इसको कैश करवाना इस यूनिवर्सिटी का काम है। आइदर यू गो अहेड या ये प्रोग्राम साल भर खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ से कुछ 10 बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बने, यहाँ से बच्चे ग्रास प्रोड्यूस करें, बाइकियाँ बनाएं, एयरलिफ्ट प्रोड्यूस करें, तब तो उस प्रोग्राम का मज़ा है। अगर ये साल के बाद ख़त्म हो जाना है, डॉक्टर साहब ट्रांसफ़र हो गए, प्रोग्राम बंद हो गया, फिर इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। दूसरी चीज़ है लम्स की। आई मेट विद सैयद बाबर अली साहब जो लम्स के ओनर हैं, ही वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे प्रोफेसर नुमान ज़फ़र से मिलवाया। आई कॉल्ड प्रोफेसर नुमान ज़फ़र इन चटवाल, ही मेट विद VC यूनिवर्सिटी ऑफ चटवाल, और इंटरेस्टिंगली दे आर गुड फ्रेंड्स, कोई पुराना उनका ताल्लुक भी निकल आया। अब इस दफ़ा हम एक फंडिंग एक अमाउंट रख रहे हैं एक एंडोमेंट फंड के अंदर कि हम अपने चकवाल में एक NICL बनाएंगे। अभी उन्होंने आपको आइडियाज़ की बात की, वो इसी चीज़ के लिए है कि अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, बच्चों के पास फंडिंग नहीं है, तो यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड द फंडिंग विद द आइडियाज़ गोल। पैसे हमारे पास हैं, आइडियाज़ आप लेकर आएँ, काम मिलकर करेंगे, और इसमें तमाम यूनिवर्सिटी के बच्चों का और तमाम लोगों का फ़ायदा होगा। तो मुझे इस ह्यूमन रिसोर्स में एक चीज़ नज़र आती है इन बच्चों में कि ये बच्चे कॉम्पिटेंस हैं। छोटी सी मिसाल एक और लेने चले, चकवाल की बात करते हैं, छोटा सा इलाका है। यहाँ के लोगों ने एक ज़माने में सोचा कि हम बिकॉज ये पोटोहार बेल्ट है, यहाँ से लोग आर्म फोर्सेज में बहुत जाते हैं। जस्ट लुक एट द प्लेस, इस छोटे से इलाके से हर घर में, हर फैमिली में, हर मोहल्ले में 3 से 4 जनरल्स मौजूद हैं जो पूरे पूरे ज़िले में नहीं होते।
आई वेंट टू सम विलेज, वहाँ से 34 जनरल्स हैं जब से उसी वो एक गांव बना है. जस्ट इमेजिन कितनी यहाँ पर लोगों की कॉम्पिटेंसी अच्छी है कि वो वहाँ कम्पीट करते हैं. इस दफ़ा जो 12 जनरल्स पर वोट हुए हैं उनमें से 5 चकवाल के, अभी चीफ के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से 2 चकवाल के. तो आप सोचें कि इस शहर में है क्या, आप सोचें कि इस शहर में क्या है कि आर्म फोर्सेज को कम्पीट करना, देर इज़ नो वहाँ पर कोई सवारिश का चक्कर ही नहीं है. जब आप ISS भी करते हैं तो बेस्ट कॉम्पिटेंसी आगे तक जनरल जो बनता है वो कॉम्पिटेंसी की बेस पर बनता है ना कि सवारिश की बेस पर बनता है. तो अगर यहाँ से जनरल बन सकते हैं तो वाई नॉट द एंटरप्रेन्योर्स, वाई नॉट आप बॉटनी क्यों नहीं आगे जाते, फिजिक्स के क्यों नहीं जाते, मैकेट्रॉनिक्स क्यों नहीं जाते. अब मैकेट्रॉनिक्स से मिसाल लेकिन डॉक्टर आके भी शेयर स्टैनफोर्ड तक लोग इन्हें जानते हैं. ये स्टैनफोर्ड ई मेल अगर लिखेंगे कि मेरे पास 4 बच्चे हैं मैं इनको लाना चाहता हूँ, डेफिनेटली दे विल से यस टू यू. तो नाउ दिस इज योर टाइम टू गो अहेड, और दिस इज द प्लेस, दिस इज द टाइम, और दिस इज द एटमोसफियर एज वेल, बिकॉज एवरीबॉडी इज विद यू, और आप इस लोगों को आगे लेके चलेंगे. अच्छा एक चीज़, अभी सारी यूनिवर्सिटी वाले बैठे हुए हैं, मैंने यूनिवर्सिटी विजिट की, आपकी ये दोनों कैंपसेस देखे. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू थिंक अबाउट प्लांटेशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल. जितने प्लांट्स चाहिए, जितने पैसे चाहिए प्लांटेशन के लिए, आई विल प्रोवाइडेड, मेरे पास फंड मौजूद है. लेकिन बॉटनी डिपार्टमेंट, आई वुड रिक्वेस्ट डी सी साहब के बॉटनी डिपार्टमेंट के HOD को रिक्वेस्ट करें कि वो इसके ऊपर कोई एक छोटा सा प्लान बनाए कि यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में आज हम जो पौधा लगाए हैं जिसके अंदर आपकी छाँव की कोई दरख्त आपके पास इस तरह नहीं है, ओपन प्लेसेस हैं, पूरी यूनिवर्सिटी का एक प्लान बनाए. हम इस प्लान के तहत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, तमाम स्टूडेंट्स प्लांट्स लगाएं, यूनिवर्सिटीज प्लांट के डिपार्टमेंट्स अपने अपने प्लांट्स को ओन करें, एरियाज डेजिग्नेट करेंगे. अगर बॉटनी के पास हम 5,000 पौधे दे रहे हैं उनके स्टूडेंट उन प्लांट्स को ओन करेंगे. इसमें प्लांटेशन में अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कर सकते हैं तमाम कैंपसेस के अंदर, जिस तरह सिटी कैंपस में हमने विजिट किया अभी, अगर जब ये कैंपस बनना शुरू हुआ था हम वहाँ प्लांटेशन कर देते तो आज बिल्डिंग के साथ पौधे भी खड़े होते. तो सैडली वहाँ पर प्लांट मुझे कोई नज़र नहीं आया. तो अब ये आप यूनिवर्सिटी वाले इस पर कोई स्टैंड लें, हमें प्लांटेशन की डिमांड दें, इस हिसाब से डिमांड दें, बॉटनी वाले उसको हेड करें कि कौन से पौधे कहाँ लगाने हैं, किस तरीके का प्लांट्स यहाँ चल सकते हैं. तो ये यूनिवर्सिटी इसके अंदर एक मॉडल यूनिवर्सिटी बन सकती है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पर स्पेशली प्लांट्स के ऊपर फोकस किया गया हो. दूसरी चीज़ वीमेन पर बात करेंगे, खवातीन पर. माशाल्लाह यहाँ पर बच्चियों का मैंने देखा है तो कि वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं. हमारी तरफ से जी आप लोगों को एक्सपेक्टेड फोकस भी है कि जहाँ पर आप लोगों को VC साहब आपके इस वेरी काइंड, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि बच्चियों पर भी साथ फोकस करें, दे शुड कम पैरेलल टू द बॉयज. यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, आपको कोई फीस में प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई और इशू है, कोई फंडिंग का प्रॉब्लम है, स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम है, कहीं का भी मसला है, यू पीपल विल नॉट बी इग्नोर्ड. और आप लोगों ने इस हिसाब से मिलना है, योर डोर्स आर ओपन फॉर दैट, देर इज़ नो लिमिट. के रजिस्ट्रार के पास चले गए, विश सब को रिक्वेस्ट करेंगे वो 10 से 15 मिनट आप लोगों को डेली का दिया करें कि लोगों से ओपन डोर पॉलिसी के तहत मिला करें. हम जब बैठे कॉलेज में थे तो हमारे प्रिंसिपल साहब के सामने हम गुजर नहीं सकते थे दरवाजे के सामने, क्योंकि प्रिंसिपल साहब बैठे हुए. तो दैट बैरियर शुड बी ब्रोकन. प्रिंसिपल्स को DC को लोगों से मिलना चाहिए, 10 से 15 मिनट मिलना चाहिए. और एक बात और थी जो ई रोज़गार की बात हो रही थी, वो भी इसी कैपेसिटी में, अलीबाबा हो गया, इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए, आपका ई रोज़गार हो गया, तालीम और हुनर हो गया, ये 4-5 प्रोजेक्ट डिफरेंट चल रहे हैं. ये प्रोजेक्ट हर बच्चे के लिए हैं, वो चाहे उर्दू का है, चाहे इस्लामियत का है, चाहे इंग्लिश का है, चाहे बॉटनी का है, चाहे मैकेट्रॉनिक्स का है, चाहे फिजिक्स का है. ये आपके लिए साइड प्रोग्राम्स हैं, यू पीपल मस्ट पार्टिसिपेट इन इट, और इस चीज़ को आप लोगों को कैश करना चाहिए. थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया.